हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अपने कुछ 30 जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करते हैं और ये आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे। इसमें उत्तराखंड भी है, हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। दो तरीके की आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी आपकी है वो आपकी कौन सी है, रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी जो हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ऑप्टिकल डिस्क है, ये आपकी सेकेंडरी टाइप की आपकी जो है वो आती है। रैम, रोम, आपने सारी चीजें जो है वो पढ़ी हुई होंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है, इसका आंसर है आपका विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक जो है वो आपका किसके द्वारा किया गया था, वो आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है वो डिजाइन किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस का कौन सा कांड। देखो टोटल आपके कितने कांड हैं, उसमें आपके 7 कांड हैं। कितने कांड हैं, 7 कांड। सबसे छोटा जो कांड है वो आपका किष्किंधा कांड है। कौन सा है, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कहाँ पे, राज बाली, आपने सुना होगा राजा बाली, उसका भाई सुग्रीव, वो आपका पूरा जो है वो किष्किंधा नरेश किष्किंधा कांड है। सुंदर कांड बहुत सारे घरों में आपका पढ़ा जाता है, जहाँ पे हनुमान जी की आपकी स्तुति वगैरह होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहते थे। What was the land donated to Jain institutions called as per the Chola inscriptions? Okay? The answer is option number C. Pallichhadanam. क्या है Pallichhadanam? ये जो है, ये जो गैर ब्राह्मण हैं, ये गैर ब्राह्मणों को आपका दी जाती थी। ये जो स्कूल और जो पाठशाला हैं उनको दी जाती थी। ब्रह्मदया जो हैं वो ब्राह्मणों को आपका दी जाती थी, और जैन सभाओं को जो दी जाती थी वो पल्लिछादनम जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, किसने तुगलक वंश की नींव रखी। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आपका ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़े होंगे। दिल्ली सल्तनत में आपने सबसे पहले जो है वो गुलाम वंश के बारे में पढ़ा होगा, फिर आपने जो है वो खिलजी वंश के बारे में पढ़ा होगा, फिर आपने तुगलक पढ़ा होगा, फिर आपने सैयद पढ़ा होगा, और सैयद के बाद लास्ट जो आता है वो आपका लोदी वंश आपका आता है। ठीक है, तो ग्यासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करें, इसने सन 1320 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आपका हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की जो मृत्यु होती है वो उसकी सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी। सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद आपका हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद आता है जहांगीर, जहांगीर के बाद आता है शाहजहां, और शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके हैं मुगल वंश में, ये उन शासकों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपके डीडी पंत जी थे। कौन थे, डीडी पंत, देवीदत्त पंत। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो ये आपकी गेहूं है। कौन सी है, गेहूं। वैसे आपका जो तीन हमारे यहाँ पे मेन है, गेहूं, धान या चावल, और तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है, तीसरे नंबर पे आपका गन्ना आता है। बट इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीट। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भारतीय रिमोट सेंसिंग ये आपका कहाँ पे है। रिमोट सेंसिंग जो है वो आपका देहरादून में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य, ठीक है, प्रजामंडल जो है वो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना जो है। श्रीदेव सुमन के बारे में आपने जरूर सुना हुआ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, मैच करें, अच्छा ओके सही सुमेलित आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यही आपका जो है, जो राजभुंगा का किला है, ये सोमचंद के द्वारा आपका किया था। चंद वंश का जो संस्थापक है, चंद वंश का संस्थापक आपका कौन है, सोमचंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है। गोविंद घाट जो है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, When is the World Tiger Day celebrated? ठीक है, World Tiger Day कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ये किया जाता है 29th जुलाई को। कब किया जाता है, 29 जुलाई को किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध
मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किला, लाल देखिए यहीं से आप इस क्वेश्चन से आप लाल किले से ही आप बता सकते हैं कि लाल किले की स्थापना जो है वो आपका किसके द्वारा की गई है, वो आपका की गई है शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? शाहजहां के द्वारा की गई है सन 1639 में। कब की गई है? सन 1648 में आपका की गई लाल बलुआ पत्थर के साथ। अगला क्वेश्चन है बौद्ध गया, ठीक है। देखिए अगर हम जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, ठीक है, उनके जन्म के हम चार उनके बारे में जाने तो एक तो आपका उनका लुम्बिनी है जहां पर जन्म होता है, फिर उनका बौद्ध गया है जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। तीसरा जो है वो आपका सारनाथ होता है, ठीक है, और चौथा जो है वो आपका कुशीनगर है। तो यही चार आपके, देखिए गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? पीपल के पेड़ के नीचे, बिहार बौद्ध गया में, ठीक है, बौद्ध गया में, ओके। उसके बाद जो आपका पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। निर्वाण यानी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? वो कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ओके, महात्मा गांधी जी देखिए 1924 का जो बेलगाम का है वहां पे एकमात्र ऐसा था जहां पर गांधी जी ने जो है अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की जो है वो आपका घोषणा की थी? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। और इसी के चलते यरवदा जेल में गांधी जी ने सन 1932 में आपका क्या कर दिया था? अनशन आपका शुरू कर दिया था, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस नदी का समागम अरब सागर में है? कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में आपका गिरती है? तो ये आपकी कौन सी नदी है? ये आपकी नर्मदा नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से आपका जो है वो निकलती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के जो आपका अवभ्रंश है, ठीक है, उसमें से आपका ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य में भारत का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? अब जनसंख्या घनत्व तो आप सभी को पता होगा, एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने आपके लोग रहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। भारत की अगर हम बात करें, भारत जो है वो आपका 7th नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 7th नंबर पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो है अनुच्छेद नंबर 123, 1, 2, 3 ऐसे याद करें, ठीक है, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, देखिए राज्यसभा में टोटल आपके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम आपके 250 हो सकते हैं। अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 245 हैं, 245 को भी दो भागों में बांटा जाता है, 233 और 12। ये 12 हैं, ये आपका जो है राष्ट्रपति महोदय जो हैं, कौन? जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो मनोनीत करते हैं, जो आपके समाज के अच्छे कार्य करते हैं खेल के, वो लोग 12 ये लोग होते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो विधानसभा आपके राज्य के अंतर्गत आया, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर बैंक आपका ये है, नाबार्ड का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। कब किया गया था? ये 2018 में किया गया था। कब किया गया था? सन 2018 में। अब हिंदी के क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। महोत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव आपका क्या होगा? महोत्सव जो है इसका संधि विच्छेद है महाधन उत्सव। कौन सी संधि है ये आप कमेंट में अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर उपसर्ग, देखिए ऐसी चीजें होती हैं, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, बीच में आपका मूल शब्द होता है, पीछे आपका प्रत्यय लगता है, ओके। तो आ, ये इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा शब्द देशज है, यानी जो आपका देशज शब्द है वो आपका क्या है? कटोरा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 29, विदेशी, जो बाहर से आपका आया हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टिकट। और लास्ट क्वेश्चन है अनेकार्थक, जिसके बहुत सारे अर्थ आपके निकलते हों, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अंबर। अंबर का एक जो अर्थ है वो है आकाश, एक है वस्त्र, एक है कपास, ठीक है, ये इसके बहुत सारे आपके यहाँ पे अर्थ होते हैं। तो स्टूडेंट हमने आज जो है 30 क्वेश्चंस कर लिए। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आप अपना कुछ फीडबैक देना चाहें तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।